आपके पास कुछ भी नहीं है। ये देखिए महिलाओं में इतना ज्यादा क्यों हम सबको गुमराह करके रख रहे हैं, काम हो गया उनका, काहे गुस्सा हो रही है आप? नहीं गुस्सा भी आज हम सब साफ साफ से गंदगी को हमने हटाया है हीरो बना के, जो हम हीरो आज हाथ साफ के सब लोग रास्ते पे चलते हैं, गंदगी महसूस होती है, बदबू आ रहा है, वही गंदगी हम सब साफ के हाथ से क्या सब की जब नहीं थी। आप लोगों ने मतलब कपड़े क्यों उतार दिए ये बताइए, सबसे पहला सवाल होता है आपका ऐसा आंदोलन क्या है कि आप लोग कपड़े उतार के आंदोलन कर रहे हैं? क्यों सर कपड़े उतार के आंदोलन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। 7 साल से हम स्वच्छता ग्राही का काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश को ODF किए हैं हम लोग और हमें कोई मानदेय नहीं मिला है, सुनवाई हमारी सरकार से हो नहीं रही है, प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है, इसलिए हम लोग कपड़ा उतार के अर्धनग्न होके प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे गेट तक जाएंगे और आगे जितना भी हमारा प्रयास होगा करेंगे क्योंकि हम लोगों को अपनी मांगे मनमानी है, हर हाल में हमें अपनी मांगे मनमानी है। तो वस्त्र उतारने की क्या जरूरत पड़ेगी, वस्त्र उतार के आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी बाबा जी सरकार हमारी मांगों को बिल्कुल नहीं मान रही है, उतारने से आपकी मांगों को पूरा कर देगी सरकार? हाँ हो सकता है। नमस्कार मैं हूँ सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज, मैं इस समय को गार्डन लखनऊ में हूँ और यहाँ पर जो है स्वच्छता ग्राहियों ने जो है बहुत ही बड़ा विशाल जो है धरना प्रदर्शन का आयोजन कर दिया है। हालांकि हमने जो है यहाँ पर आज के करीब 10 दिन पहले जो है यहाँ से कवरेज करने का प्रयास किया था जहाँ पर तब इतनी ज्यादा लोगों की संख्याएं नहीं थी, लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पे स्वच्छता ग्राही आंदोलन पर उतर आए हैं और जो हम आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहे हैं तो इसमें आपको जो दिखाएंगे जो सबसे अलग जो इस आंदोलन की जो तस्वीरें दिख रही वो ये है कि लोगों ने बदन के कपड़े उतार दिए और यहाँ भी हम इन लोगों से वार्ता करेंगे आखिर ये कौन सा धरना है, ये कौन सा आंदोलन है कि लोग अपने वस्त्र उतार करके ये आंदोलन कर रहे हैं, ये वस्त्र उतार करके क्या जो है समाज को या सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं। हम जो है यहाँ अभी जितने भी लोग इनसे थोड़ा पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग जो है नग्न वदन में जो है ये लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इन लोगों की मांगे क्या है, तमाम जो प्रश्न है इन लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे। हाँ हम सब नहीं बहन बेटे थे किसी का। आप स्वच्छता ग्राही हैं? हाँ स्वच्छता ग्राही हैं हम। तो आपने खुद से साफ किया? हाँ खुद से साफ किया, हाथ से साफ किया, 5 दिन की ट्रेनिंग लिया आजमगढ़ में। अच्छा 5 दिन साफ किया कि आपने जितने जॉब किया उतने दिन साफ किया? जितना दिन जॉब किए हैं गांव गांव में मोटिवेट कर करके सबको हमने जागरूक किया है, यहाँ तक हम सबके ऊपर गंदा भी फेंके महिलाएं, किचन का पानी उठा लिया है कि आई बड़ी बड़ी नौकरी करने आई है बाजी करने, लेकिन हम सब अपने अपनी इज्जत गांव पे लगा के साफ किए हैं। कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ जिले से हैं। आजमगढ़ से? हाँ आजमगढ़ से। तो क्यों नहीं आपको मतलब क्यों इतना नाराज क्यों हो रही हैं? क्यों नाराज हैं भैया, आज हम सबको तीसरा महीना हो गया हम सब यहाँ पे धरने बैठे बच्चे छोड़ छोड़ के। कितने दिन हो गया आपको आंदोलन करते? 2 महीने हो गया। तीसरा महीना? हाँ 62 दिन हो गया, 62 दिन हो गया आज हम सबको, ये जो तीसरा महीना स्टार्ट हो गया। हाँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है माता जी बहन जी हमारी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान हैं, इस बात को परेशान लेकर हैं क्योंकि आदित्यनाथ योगी जी ने इन लोगों को आश्वासन दिलाया था नवेशरण में, जो है इन्होंने एक सभा में इन्होंने खुद से ही आंदोलन सॉरी सभा में इन्होंने कहा था कि जो है जितने भी स्वच्छता ग्राही इनको जो है सम्मान दिया जाएगा, इनके लिए मानदेय तय किया जाएगा, लेकिन शायद आदित्यनाथ योगी जी अपने कहे गए वचन को भूल चुके हैं जिसको याद दिलाने के लिए यहाँ पर जो है स्वच्छता ग्राहियों ने अर्ध नग्न होकर के आंदोलन किया है। वहीं माताएं बहनें भी इस आंदोलन में शामिल है जिनका गुस्सा आप लोगों ने साक्षात रूप में देखा है। धन्यवाद।